हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी ऑफ मेलिग्नेंसी, सिंपल भाषा में कहते हैं इसको एंटी कैंसर ड्रग के रूप में। और इसके अंदर हमने बेसिक पार्ट्स देखे आपके इंट्रोडक्शन के रूप में, सेल कैसे आपका कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है ये भी हमने देखा, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल भी हमने देखा। तो आज से हम बात करेंगे ऑफिशियली इसके ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी या ट्रीटमेंट के मेथड्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है एंटी कैंसर एजेंट ट्रीटमेंट अप्रोच, कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बॉडी में से जिस भी टाइप का कैंसर है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे टॉपिक का नहीं है, वैसे फिर भी जनरल नॉलेज के पर्पस से हम जान सकते हैं कि कैंसर अगर आपके बॉडी के एक पार्ट में होता है और उसी पार्ट में अगर वो मल्टीप्लाई करने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे टूट करके दूसरे पार्ट में मूव करने लगे, तो वो मैलिग्नेंसी कहलाएगा, आपका मैलिग्नेंट पार्ट पे कहलाएगा, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। यूं तो पार्ट के अकॉर्डिंगली कैंसर के टाइप भी हो सकते हैं, जैसे लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर एंड एसेट्रा। जिस भी बॉडी के पार्ट में ये होगा उसी से सबसे कहला जाएगा। तो सबकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग क्राइटेरिया है जो हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। फिर भी हम बात करते हैं एक जनरल, एक सुपरफिशियली मैकेनिज्म के बारे में, एक अप्रोच के बारे में कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो तरह के अप्रोच हैं इसके अकॉर्डिंगली। पहला जो अप्रोच है वो कहता है किल और रिमूव द कैंसर सेल, यानी कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके के कैंसर सेल पाए जाते हैं तो कोशिश हमको ये करनी होगी कि उस कैंसर सेल को या तो हम किल कर दें या तो उसको उस पर्टिकुलर पार्ट से, इंटैक्ट सेल से हम बाहर निकाल दें, रिमूव कर दें। ये पहला स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए अलग अलग मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो पहला पॉसिबिलिटीज ट्रीटमेंट का अप्रोच का ये कहता है साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो वर्ड है साइटो और टॉक्सिक, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर से हमको फार्माकोलॉजी 1B फार्मेसी 4 सेमेस्टर के पहले पॉइंट पे जाना होगा, जहां पे हम बात करते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन की। उसके अंदर हमने तो कई तरीके देखे, स्टिमुलेंट देखा, डिप्रेशन देखा, रिप्लेसमेंट देखा, उसमें से एक छोटा सा कहीं आपने पढ़ा होगा साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसा ड्रग जो कि साइटो यानी कि सेल के लिए क्या हो, टॉक्सिक हो। सो अ ड्रग विच इज टॉक्सिक फॉर द सेल इज सिंपली नोन एज अ साइटोटॉक्सिक ड्रग। ये ड्रग हम जनरली लेते नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर नहीं है तो भला हम इसको क्यों लें, क्यों हम इस ड्रग से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी में जाए, डिसइंटीग्रेट, डिसॉल्व, एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट हो, फाइनली वो आपकी बॉडी के किसी टिश्यू को जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है इसको डिस्ट्रॉय कर दे। नो वन विल इंटेंडेड दिस काइंड ऑफ एक्शन, कोई भी इसको नहीं चाहेगा। तो लेकिन हमको जब बात करते हैं कैंसर की तो वो जो कैंसर का सेल है भले ही आपकी बॉडी का पार्ट है बट नाउ इट इज अनडिजायरेबल, वो एक्सेसिव तरीके से ग्रोथ हो रहा है जिसके रहने से आपके लिए प्रॉब्लम है, तो हमको उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को जो कि अब हम इसको कैंसर सेल के नाम से जानते हैं इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। सो ऐसे ही ड्रग जो कि उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे, इन्हीं को हम बोल सकते हैं, एक आइडियली हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन होगा जिसको आप नोट के फॉर्म में थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी तो पढ़ा ही हुआ है। सो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी सेज दैट इट इंक्लूड्स दोस काइंड ऑफ ड्रग दैट एक्ट ऑन द रैपिडली डिवाइडिंग नॉर्मल एंड कैंसरस सेल एंड किल देम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कह रहा है, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर हम उन सब ड्रग के बारे में बात करते हैं जो ड्रग रैपिडली तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है उस सेल पे काम करते हैं। रैपिडली का मतलब यहां पे एकदम फास्ट या कैंसरस सेल के ऊपर स्ट्रक्चरली नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसे सेल जो ग्रो होने की एबिलिटी रखते हैं उस सेल की हम बात करते हैं, उस सेल पे ये डिवाइड होने के प्रोसेस को रोकेगा, ये दोनों तरीके के सेल पे इनके डिवीजन को रोकेगा, एक नॉर्मल सेल पे भी अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये कैंसर सेल पे भी अफेक्ट करेगा, और फाइनली दोनों को किल कर देगा। इसी बात से आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये दोनों को किल कर रहा है, किन दोनों को, नॉर्मल सेल को भी जो कि कैंसर सेल नहीं है और एज वेल एज उस सेल को भी जो कि एक्चुअल में कैंसर सेल है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी तो जीरो हो गई, यानी कि नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया। इसीलिए यहां पे एक नोट लिखा हुआ है मैंने, देयर एक्शन इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कैंसर सेल। इसका क्या मतलब है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम बात कर रहे थे कीमोथेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग को ट्रीट करने के लिए जो कीमोथेरेपी के ड्रग बात कर रहे थे, उसमें एक वर्ड बहुत ध्यान से अंडरलाइन किया था, पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि स्पेसिफिसिटी। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेसिक मेटाबॉलिक एक्शन को, बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं, ना कि किसी होस्ट को, तो वो केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने से रोकेगा, हमको उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला,
इन जनरल की अगर हम बात करें, क्योंकि उसके में एक एबिलिटी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में और हमारे ह्यूमन बॉडी या किसी होस्ट के सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, ये उसकी सेलेक्टिविटी है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये जो हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग है उनमें ये एबिलिटी नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैंसरस सेल एज वेल एज द नॉर्मल इंडिविजुअल सेल। दैट इज व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटीज दैट मे किल द नॉर्मल सेल टू। इसी कारण से वो नॉर्मल सेल को भी और उस कैंसर सेल को भी किल कर सकते हैं। नुकसान तो कहीं ना कहीं हमारा ही है। इसी कारण से जो केमोथेरेपी एजेंट होती है आपके मैलिग्नेंसी के लिए, उनमें काफी सारे के एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कई चीजें आपको वोमिटिंग देखने को मिलेगा, आपके बाल रिमूव हो जाएंगे और धीरे-धीरे की दिक्कतें होंगी, जिसको हम इसी वीडियो के सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन से टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कारण वही है क्योंकि कैंसरस सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल पे भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है इसी आपके पहले पॉइंट के अंदर का, वो है सर्जरी। यानी कि आपको उस पर्टिकुलर पार्ट से जिसमें कैंसर सेल देखने को मिले हैं, अगर पॉसिबल है तो उसको सर्जरी करके बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कई बार ओरल कैंसर में कुछ पार्ट को हम बाहर निकालते हैं, सो लंग कैंसर में भी हम उसको प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कोलोन कैंसर में थोड़ा सा रिमूव किया जाता है। सो जिस भी जगह ये प्रॉब्लम है और वो जगह अगर पॉसिबिलिटीज दिखती है कि इसको हम सर्जरी से रिमूव करके इसके प्रोग्रेशन को फर्दर रोक सकें, तो वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। अदरवाइज जहां भी ये पॉसिबल है दूसरी जगह, रेडियोथेरेपी को हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो कुछ हद तक सेकेंड पॉइंट से भी मैच करेगा। ये कहता है टारगेटेड साइटोटॉक्सिक एजेंट, यानी कि जिस पर्टिकुलर पार्ट पे प्रॉब्लम है, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे कैंसर सेल ग्रो हो रहे हैं, उसको आप टारगेट करिए, सीधा निशाना लगाइए, उस पे जाकर के अफेक्ट कर सकें। और इसके अंदर हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज लिंक्ड टॉक्सिन्स को, जो कि एंटीबॉडीज से लिंक होते हैं और स्पेसिफिक जाके टारगेट पे असर करते हैं। अब हमने पहला जो पॉइंट था वो देखा, जिसके अंदर किल और रिमूव करते हैं कैंसर सेल को। अब बारी आती है दूसरा, टारगेटेड कैंसर थेरेपी की। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेकेंड पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा पहला पॉइंट असल में काम करता होगा। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ये पहले पॉइंट का पहला मेथड कहता है कि आपको उन सेल को अफेक्ट करना है, ये जो आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं वो उन सेल को अफेक्ट करते हैं जो रैपिडली ग्रोथ हो रहे होते हैं, चाहे वो नॉर्मल सेल हो चाहे वो कैंसरस सेल हो, यानी कि इनमें स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं ये आटे को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। डेली लाइफ से हम जोड़ के सीखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा सेल है, नॉर्मल चीजें हो रही हैं, किसी भी बॉडी का पार्ट है ये, इस पे अब अलग तरीके के सेल ग्रोथ होने लगते हैं। ये जो पहला मैंने आपको इंबोजिंग दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल सेल ग्रोथ है, और ये इस तरह का जो एक और मैंने आपको बढ़ाया हुआ है, मान लेते हैं कि ये आपका कैंसरस सेल है। सो इस कैंसरस सेल और इस नॉर्मल सेल में आप डिफरेंशिएट अभी के लिए तो कर सकते हैं दिखाने के पर्पस से। सो हमारा ये एंटी कैंसर ड्रग अगर इस पे आप दे रहे हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन की वजह से, तो ये इसको भी अफेक्ट कर सकता है जो कि एक्चुअल में कैंसर सेल है, साथ ही साथ जो नॉर्मल सेल है जो डिवाइड कर रहे हैं इसको भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसके में स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, पहला तरीका ये कहता है। दूसरा देखिए इसी के अंदर का, वो है सर्जरी। सर्जरी का कैसे प्रोसेस फॉलो होगा ये आपको मैं बताता हूं। ये हमारा नॉर्मल सेल है और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा मास बना रहा हूं और इस एक्स्ट्रा मास को मैंने यहां पे सुपर इंपोज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक सेल के ऊपर इस तरह का ट्यूमर बना हुआ है। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सर्जरी का, जिसमें हम इस मेथड से इसको यूं बाहर निकाल के रिमूव कर देते हैं और आपका सेल पहले के जैसा रहता है। तो इस तरीके से सर्जरी करके आपने उस पर्टिकुलर पार्ट से इस कैंसरस सेल को बॉडी से बाहर निकाला। तीसरा है आपका तरीका, वह है रेडियोथेरेपी। इसको भी समझ लेते हैं, यह है आपका कैंसरस सेल जो किसी बॉडी के पार्ट में अगर है और उस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर ये पॉसिबल है तो उसमें हम बम्बार्डिंग करते हैं डिफरेंट रेडिएशन की। इसके कारण से ये जो रेडिएशन है ये इसको पुश करता जाता है, इनके डेथ कॉज करते जाता है और धीरे धीरे ये जो कैंसरस सेल है वो एबनॉर्मल से थोड़े से नॉर्मल की ओर मूव करने लग जाते हैं। तो ये रेडिएशन को यूज करते हुए उसको हम किल करने की कोशिश करते हैं। सब जगह पे पॉसिबल नहीं है, जहां जहां पे ये पॉसिबिलिटीज दिख सकती है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केस। इसके बाद देखिए टारगेटेड साइटोटॉक्सिक एजेंट जो है, जिसमें हम एंटीबॉडीज को लिंक करते हैं टॉक्सिन के साथ, वो कैसे काम करता है, तो उसके पीछे हमको ये चीज बॉडी को समझनी होगी। लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूं फिर हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। देखिए कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनमें हम स्पेसिफिक ड्रग को, मॉलिक्यूल को फिक्स करके, टारगेट को फिक्स करके ट्रीटमेंट के मेटेडिक लॉ से इसको सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो इतना माइक्रो होता है, इतना छोटा होता है कि वो सेल के अंदर पहुंच जाता है और उसके अंदर पहुंचने के बाद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जो कि कैंसर के ग्रोथ के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उनको खत्म करते हैं। ये क्या है, ये भी आपको समझा रहा हूं मैं, ये ध्यान से देखिएगा।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसा डेमो कर रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, बस पर्पस के हिसाब से। मान लेते हैं ये आपका माइक्रो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी है, अभी जब व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे समझ जाएंगे। इसको हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि ये आपके सेल में अंदर पहुंचता है और अंदर पहुंच करके आपके उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कैंसरस सेल के प्रोसेस को, प्रोलिफरेशन को, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये अंदर पहुंच गया, ये माइक्रो ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा होता है मैक्रो, यानी कि जिसका जो मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बड़ा होगा, जिसके अंदर हम बात करते हैं अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, तो वो आपके सरफेस पे एडहेयर होता है। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं, ये एक कैप्सूल है जैसे एग्जांपल, वो आपके सरफेस पे एडहेयर होकर के इसके आसपास जो कैंसर सेल हैं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो एक बेसिक में हमने देखा कि किस किस तरीके से हम अप्रोच फुली फॉलो कर सकते हैं आपकी बॉडी में ग्रो हो रहे कैंसर सेल को स्टॉप करने के लिए। चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, दूसरे मेथड को देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे टारगेटेड कैंसर थेरेपी की। इस दूसरे वाले ट्रीटमेंट मेथड में पहला जो पॉइंट है वो कहता है इट यूज ड्रग दैट ब्लॉक द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर बाय इंटरफेयरिंग विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर टारगेट। इसका क्या मतलब हुआ? ये पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि हम ऐसे ड्रग को यूज करते हैं अंडर द टारगेट कैंसर थेरेपी के अंदर, क्योंकि पहला मतलब जो है टारगेट का, टारगेट मतलब क्या होता है कि आपको इसी को फोकस करना है, आपका टारगेट कोई एक डिसाइड होगा, वो है आपका टारगेट। अगर ब्लाइंडली डिसाइड करना है तो कोई टारगेट नहीं है, जहां पे मारिए लगता है तो लगे, नहीं लगता तो कोई बात की बात नहीं, किसी को भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टारगेट का मतलब होता है केवल उस भीड़ में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही आपका हिट हो, ये आपका टारगेट है। तो इसमें ऐसे ही ड्रग को यूज करते हैं जो कि क्या करेंगे, जो आगे जाकर के ब्लॉक करेंगे। किस चीज को ब्लॉक करेंगे? ग्रोथ, यानी कि उनके मल्टीप्लिकेशन को, उनके बढ़ने को, उनके साइज में एनलार्जमेंट को, एंड स्प्रेड, यानी कि उनके एक पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे पार्ट को अफेक्ट करना, फैलने को रोकेंगे, ऑफ कैंसर, जो हम लोग इसको नाम से ही कैंसर जानते हैं उसको अफेक्ट करेंगे, बाय इंटरफेयरिंग विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। कैसे काम करेंगे? हर एक सेल में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो आपने देखा भी है कि कैसे ग्रोथ करना है, कैसे जो बेसिक एक्टिविटी है सेल की वो परफॉर्म करना है। तो उसी मॉलिक्यूल को हम टारगेट करके, स्पेसिफिक जो वर्ड लिख रहा है वो साफ साफ यही कह रहा है कि पॉइंट करके, पॉइंट आउट करके उस मॉलिक्यूल को हमको अफेक्ट करना है। और इसी मॉलिक्यूल को बेस्ड करके ट्रीट करने वाले थेरेपी को हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट। जहां पे मैंने ग्रीन कलर में डबल बॉल लगाया हुआ है, यहां भी देखिए यही आपका मॉलिक्यूलर टारगेट थेरेपी क्या कहता है, दीज आर इन्वॉल्व इन, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या काम करते हैं? तो दीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ, यहां भी आपने देखा प्रोग्रेशन, यानी कि फैलना, बढ़ना, वृद्धि करना, एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर, तो ये इन चीज में मूव करने में मदद करते हैं, तो उन्हीं को हम टारगेट करेंगे ताकि वो ग्रोथ ना हो। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए कोई एंजाइम है, प्लांट हार्मोन्स है जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो अगर हम उसकी ग्रोथ को कम करना चाहते हैं तो उसके ग्रोथ हार्मोन को, जो उसके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम बंद कर दें, तो टारगेटली उसको बंद कर दें, तो उसके हाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक मतलब है कहने का क्या होता है। उसके बाद देखिए टारगेट आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट, हमको पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हाइट को कम करना चाहते हैं, विड्थ को कम करना चाहते हैं, डिस्कलरेशन को कम करना चाहते हैं, व्हाट एवर रीजन प्लांट के हिसाब से। तो यहां पे हम अगर एनिमल के बारे में बात करें तो हमको उस सेल में किस चीज को पॉइंट आउट करना है, किसके किसको एक्टिविटी को हमको ब्लॉक करना है ताकि एंटी कैंसर ड्रग का इफेक्ट मिल सके। So, पहले हम उसी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ड्रग आर डिजाइन, उसके हिसाब से ड्रग को डिजाइन करते हैं। ये ड्रग डिजाइनिंग का पार्ट है, इसके बारे में हमको बात यहां नहीं करेंगे, किसके हिसाब से सेल के स्पेसिफिसिटी, हार्मोन्स, एंजाइम, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ड्रग का निर्माण करते हैं ताकि उस पर टारगेट कर सके, सो दैट मीन बी इंटरेक्ट विद द टारगेट, जिसके हिसाब से आपको काम करना है। अगला पॉइंट कहता है दीज आर ऑफन साइटोस्टैटिक, ये जो टारगेटेड ड्रग हैं वो बेसिकली साइटोस्टैटिक होते हैं। अब ये नया वर्ड सुनने में लग रहा होगा आपको क्या है, बहुत सिंपल सा है, साइटो मतलब होता है सेल और स्टैटिक तो आपने बहुत आराम से पढ़ा हुआ है एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अंदर में, सो जो सेल के ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को स्टॉप करके रख दें, इन्हीं को हम बोलते हैं साइटोस्टैटिक ड्रग दैट ब्लॉक द ट्यूमर सेल प्रोलिफरेशन, स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल के जो ग्रोथ प्रोलिफरेशन है इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसके हिसाब से देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड इन टारगेटेड कैंसर थेरेपी, दो तरह के ड्रग होते हैं जिनको मैंने आपको डेमो से भी बताया। पहला क्या कहता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटा मॉलिक्यूल्स विच कैन एंटर टू द सेल एंड एक्ट ऑन द टारगेट लोकेटेड, जो मैंने आपको कैप्सूल को अंदर फिल करते हुए दिखाया, वो इसलिए क्योंकि उसका
साइज जो है मॉलिक्यूलर साइज वो छोटा होगा, वो सेल के अंदर जाएगा और आपके जो टारगेट लोकेट किए होगा वहां पे जाके एक्ट करेगा और सेल को जो कि कैंसरस सेल है आपको स्टैटिक मैनर में रोकने का काम करेगा। उसके बाद जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं, जैसे विच आर टारगेट लार्ज सरफेस, जो आगे जाकर के सेल के सरफेस पे बाइंड होंगे, पूरा पढ़ेंगे इसको। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर रिलेटिवली लार्ज, पहले वाला स्मॉल था ये लार्ज है, एंड दैट एक्ट ऑन द टारगेट सेल सरफेस, जो सेल के सरफेस पे काम करेगा जहां पे आपको एक्टिविटी शो करनी है, जैसा मैंने आपको कैप्सूल को ऊपर रख के दिखाया हुआ था। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किया पहले सेक्शन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड में। अब दूसरे सेक्शन में हम बात करने वाले हैं ऐसे साइज से टॉक्सिक ड्रग के अनवांटेड इफेक्ट के बारे में, टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जो कि यूज होते हैं एज अ एंटी कैंसर ड्रग। शॉर्ट में बोला जाए तो एंटी कैंसर ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में देखेंगे एक कॉमन तरीके से। चलिए मूव करते हैं सेकेंड सेक्शन में। तो चलिए इस वाले व्हाइट बोर्ड सेशन में हम बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग का यूज करने पे हमको कौन कौन से ऐसे इफेक्ट मिलेंगे जिसको कोई भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करता लेकिन वो एसोसिएटेड होते ही हैं। हम बात करने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग का टॉक्सिसिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग। सबसे पहले इस वर्ड को समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए सही नहीं है, कुछ तो उसमें गड़बड़ होने वाला है। जबकि दूसरा जो वर्ड है साइटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि ड्रग आप ले ही रहे हैं इसलिए क्योंकि वो साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करे। थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर बस इतना है कि यहां पर जब आप साइटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में बात करते हैं तो ऐसे ड्रग का जो मकसद है, इंटेंडेड यूज है, जो एम ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि आपकी बॉडी में अनवांटेड तरीके से, एक्सेसिव तरीके से जो कैंसरस सेल ग्रो हो रहे हैं उनको किल किया जाए, टारगेट करके उस तरह के पार्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक सेल को किल किया जाए। क्योंकि ऐसा हमारा एजम्पशन है, ऐसी हमारी सोच और ऐसी हमारी इच्छा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा पूरा 100% हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। केवल तेवल आपकी थ्योरी में पॉसिबल हो सकता है, इंटेंडेडली पॉसिबल हो सकता है, पर प्रैक्टिकल में ये कहीं दूर दूर तक पॉसिबल होता नजर नहीं आता। तो ये जो ड्रग आपके सेल के लिए टॉक्सिक है, कैंसर सेल के लिए, तो कहीं ना कहीं ये डी डिफरेंशिएशन करने की वजह से, यानी कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएट ना कर पाने की वजह से बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, ये आपके बाकी के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल को भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। अब वहां पे उस नॉर्मल सेल पे जो प्रॉब्लम कॉज करेगा ये हमारे लिए टॉक्सिसिटी है, ये हमारे लिए अनवांटेड है। स्पेसिफिकली कैंसर सेल को नुकसान पहुंचाए ये हमारे लिए इंटेंडेड, ये हमारे लिए आवश्यक, ये हमारे लिए डिजायरेबल है, लेकिन नॉर्मल सेल को नुकसान पहुंचाए ये अनडिजायरेबल है। आप उम्मीद करता हूं कि इन दोनों बेसिक चीजों में आपने अंतर करना स्टार्ट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग बॉडी के सिस्टम पे इस तरह के जो एंटी कैंसर ड्रग हैं या इस तरह के साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं वो क्या क्या इफेक्ट शो कर सकते हैं जिनसे हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके बोन पे, क्योंकि इस तरह के जो साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं उनका बोन पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिखता है। बोन पे कहने का मतलब है बोन एसोसिएटेड विद बोन मैरो, तो उस पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो बोन मैरो में हम जो इफेक्ट देखते हैं वो देखिए डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो का डिप्रेस हो जाना। What is the meaning of depression of bone marrow? Depression का मतलब होता है उसके designated काम में, specifically जो उसका काम होता है body में, function जो होता है उसमें गिरावट आ जाना। कौन से बॉडी का पार्ट यहां पे हम बात कर रहे हैं, बोन मैरो, तो आपको दोबारा ये जानना चाहिए कि बोन मैरो है क्या और वो काम क्या करता है। बोन मैरो का जो मेन काम होता है वो आपके बॉडी में आरबीसी वगैरह का बनाने का मेन सेंटर है, मेन हब है। तो यहां पे इसका काम इस तरह के ब्लड का सेल के बनाने का काम हुआ। तो जो काम ब्लड का सेल का बनाने का आपका बोन मैरो कर रहा है, अगर बोन मैरो डिप्रेस होता है तो ऑब्वियसली वो काम तो अफेक्ट करेगा ही जिसका वो काम था, यानी कि चूंकि वो बोन मैरो ब्लड सेल बना रहे थे, अब बोन मैरो सप्रेस हुए हैं तो ब्लड का बनना भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का बनना भी कम होना स्वाभाविक ही है। उसके बाद देखिए, और अगर ऐसा होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसमें आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, दैट मे रिजल्ट इन टू ग्रेन्यूलोसाइटोपेनिया।
अब यहां पे एक वर्ड है ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, इसका क्या मतलब होता है? साइटोपेनिया का मतलब होता है एक ब्लड की उस तरीके का जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले ग्रेन्यूल लगा हुआ है। तो मैं पहले आपको साइटोपेनिया का बताता हूं। तो साइटोपेनिया का मतलब होता है आपके उस तरह के टाइप ऑफ ब्लड, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड की संख्या में कमी आ जाना, जो कि नॉर्मली होना चाहिए था उससे अब कम हो जा रहा है। अब इसके पहले जो भी वर्ड लगा होगा, जो भी कंपोनेंट लगा होगा, उसके नॉर्मल संख्या में, उनके नॉर्मल वॉल्यूम में कमी आ जाना, ये इस चीज को शो करता है। सो पहला हमारा ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, यानी कि जो ग्रेन्युलोसाइट है उनकी संख्या में कमी आ जाना। ग्रेन्युलोसाइट आप जानते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि उसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के काम करते हैं। सो इस तरह से अगर ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया होता है, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट की संख्या में कमी आती है, तो पक्का आपके डब्ल्यूबीसी का जो पार्ट और टाइप है, उसकी जो एक्टिविटी है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में, वो भी कम हो जाएगा। साथ साथ देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यहां भी साइटोपेनिया सेम है। तो ये जो साइटोपेनिया है, इसका तो मतलब कॉन्स्टेंटली सब जगह सेम रहेगा, अंतर क्या हो रहा है? अब आपका ग्रेन्युलो की जगह थ्रोम्बो आ रहा है, एंड यू नो थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बोसाइट से है या फिर आपके प्लेटलेट से है, जो कि एक ब्लड के क्लॉट होने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करते हैं। तो इसकी संख्या में कमी हो जाएगी तो पक्का आपके ब्लड क्लॉटिंग में अफेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से? बोन मेरो के डिप्रेस होने की वजह से। और बोन मेरो डिप्रेस क्यों हुआ? आपके साइटोटॉक्सिक ड्रग, या इसी को आप सुपर भाषा में बोले तो एंटी कैंसर ड्रग की वजह से। साथ साथ एप्लास्टिक एनीमिया भी हमको देखने को मिलता है। एनीमिया का मतलब तो आप जानते हैं कि ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, रफ तरीके से बोला जाए समझने के लिए तो ब्लड की कमी बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। और किस तरह का? एप्लास्टिक का, जिसका कारण होता है कि वो आपके बोन मेरो के सप्रेस होने की वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम है, आपका ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और आपका एप्लास्टिक एनीमिया, जस्ट बिकॉज द सप्रेशन ऑफ बोन मैरो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट ले लेते हैं, जिसका जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली द बोन मैरो डिप्रेशन इज मोस्ट सीरियस टॉक्सिसिटी विच इज एसोसिएटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग। और ये जो आगे जाकर के आपकी प्रॉब्लम को कॉज करेंगे, वो क्या प्रॉब्लम होगा? वो आपको इन्फेक्शन कॉज करेंगे और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्यों इस तरह के इन्फेक्शन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। इन्फेक्शन का सीधा सीधा लेना है आपके ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया से, जहां पे आपके ब्लड वेसल, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर एक ऐसा एंजाइम मैंने आपको बताया जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वही कम हो जाएगा। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी को कैसे डिफेंस कर पाएगा? और जब आपकी बॉडी आपको ही माइक्रोऑर्गेनिज्म से डिफेंस नहीं कर पाएगी, तो इन्फेक्शन का होना तो स्वाभाविक ही है। दूसरा ब्लीडिंग, क्योंकि यहां पे आपने देखा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट का आपके प्लेटलेट की कमी हो रही है, जिसका काम ही यही था कि ब्लड की क्लॉट को इनिशिएट करना। तो जो जो जिस जिस काम को करते हैं, वही वह संख्या में कम होते जा रहे हैं, तो उनके काम में फर्क तो पड़ना ही है, ये आपका मेन है, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे, यानी कि सेकेंड फंक्शनलिटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग का। यह है हमारा लिम्फो रेटिकुलर टिश्यूज। तो लिम्फो रेटिकुलर टिश्यूज पे इसका क्या अफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए लिम्फोसाइटोपेनिया, ये भी एक ऐसा ही वर्ड आ रहा है जैसा ऊपर आपने देखा ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये लिम्फोसाइटोपेनिया में लिम्फ को दिखा रहा है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। सो इस तरह से लिम्फोसाइटोपेनिया, लिम्फोसाइट में कमी आ जाना, वो आगे जा करके और साथ साथ दो चीजों को इसमें इन्वॉल्वमेंट साथ में होगा, लिम्फोसाइटोपेनिया एंड इनहिबिशन ऑफ लिम्फोसाइट। ऑब्वियसली इसी की बात कर रहा है लिम्फोसाइट फंक्शन। अब इस तरह के लिम्फोसाइटोपेनिया होगा, लिम्फोसाइट के फंक्शन में गिरावट आएगी, डिक्रीज होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? दैट में रिजल्ट इनटू सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना यहीं पे है, दैट विल रिजल्ट इनटू सप्रेशन, यानी कि कमी होना किस में? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इसके साथ साथ आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो कुल मिलाकर के चाहे सेल मीडिएटेड हो चाहे ह्यूमरल हो, है तो आपकी इम्यूनिटी, और आपकी इम्यूनिटी यहां पे डिस्टर्ब हो रही है। इसीलिए यहां पे देखिए एक और नोट मैंने यहां पे ऐड किया है दूसरे रूप में, कि जब आपके होस्ट का डिफेंस सिस्टम वीक हो रहा है, आपकी सेलुलर और आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो पक्का आपका इंफेक्शन तो बढ़ेगा ही, यहां भी आप टैली कर सकते हैं, और इसके कारण से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। और मोस्टली जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक एक लिया है वो यहां पे देखिए, अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं
हैं, तो इसके कारण से चूंकि अब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, आप कमजोर हो रहे हैं माइक्रोजम के अटैक के प्रति, तो आपको प्रॉब्लम होगा। फंगल के कारण से आपको कैंडिडिया होगा, कैंडिडियासिस लास्ट पार्ट आप एसटीडी में देखा भी है, इसके कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। वायरस के बारे में बात करें तो आपको हर्पिस वायरस का प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण से, तो आपने वो भी देखा आपके एसटीडी के अंदर। और अगर हम बात करते हैं टॉक्सोप्लाज्मा के कारण से, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है आपको ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेंगे जो साइटोटॉक्सिक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग को यूज कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी पे, तो जीआईटी पे इसका इफेक्ट काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। जीआईटी पे ये कॉज करता है आपका डायरिया, यानी कि वाटरी लूज मोशन कॉज करेगा, आपका हीमोरोज कॉज कर सकता है, यानी कि ब्लीडिंग कॉज कर सकती है, जो कि आगे जाकर के कारण, अगर आप पूछेंगे इसका कारण क्या है, तो दैट इज रीजन, और वी कैन से दैट दिस प्रॉब्लम आर ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रेट ऑफ रिकरेंस और रीजनरेशन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग के सेल्स की कमी हो जाना, उनके बनने में प्रोसेस में कम हो जाना, ये इसके पीछे का कारण हो सकता है। अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे ड्रग हैं जो ज्यादातर मात्रा में प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो देखिए ब्लियोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन डी, ये बेसिकली कॉज करते हैं आपका म्यूकोसाइटिसिस, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट में इंफ्लेमेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आगे जाकर के आपका हीमोरोज कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज्यादा है आपके मेन एग्जाम से ज्यादा आपके जीपैट या कॉम्प्रेसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो ये नोट मैं लेता हूं कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो नौजिया कॉज कराते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसको आप लोग को देख लेना चाहिए, उस चार्ट में हम बात करेंगे, पहले पॉइंट को समझ लेते हैं फिर आपके पास चार्ट में मूव करेंगे। ऐसे जो ड्रग हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग हैं, एंटी कैंसर ड्रग हैं, वो बेसिकली वोमिटिंग और नौजिया काफी ज्यादा मात्रा में कॉज कराते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास ड्रग है जिसको मैंने आपको एंटीमेट्रिक ड्रग के केस में बताया भी है, तो वहां से आप चाहें तो पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये जो आपके एंटी कैंसर ड्रग हैं वो नौजिया और वोमिटिंग कॉज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज नौजिया एंड वोमिटिंग आर मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग ड्यू टू द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजेड, यानी कि केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को डायरेक्टली इंप्रेस करना, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देना, इस वोमिटिंग के पीछे का कारण है आपके एंटी कैंसर ड्रग का। साथ ही साथ जो एंटी कैंसर एजेंट होते हैं वो आपकी एमेटिक इंपल्स को जनरेट करते हैं, सो जनरेशन ऑफ impulse that is emetic in nature, ये emetic को cause कराते हैं। कुछ drug ऐसे हैं, तीन category है इस चीज की, कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कम मात्रा में एमेटिक कॉज कराते हैं, कुछ मॉडरेट मात्रा में, और कुछ हाई मात्रा में वोमिटिंग कॉज कराने की एबिलिटी रखते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी का जानना, उनके एग्जांपल को याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल का जो टेबल है वो इमेज के फॉर्म में दिखाता हूं। वो इमेज देखिए 5 से 10 सेकंड के बीच में, फिर वापस आएंगे इसी व्हाइट बोर्ड पे। हमारा जो अगला ऑर्गन है जिस पे हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग का इफेक्ट देखने को मिलेगा वो है स्किन। स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये स्किन को डैमेज करेंगे, साथ साथ स्किन के ये हेयर फॉलिकल को भी डैमेज करेंगे। ये आपके सवाल का सबसे बड़ा आंसर है, क्योंकि आपने देखा है जिस भी व्यक्ति को कीमोथेरेपी होती है, कीमो कैंसर के लिए ड्रग होते हैं, उनके बाल पूरे झड़ जाते हैं, उनमें गंजापन आने लगता है, उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि ये आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करते हैं, और इसके कारण से ये आपके लिए एलोपेशिया कॉज कर सकता है, साथ साथ में डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है। तो एलोपेशिया यानी कि बाल का गिर जाना, हेयर फॉलिकल का गिर जाना, ये रिस्पॉन्सिबल। कैसे समझे इसको, मान लेते हैं कि ये आपका हेयर है और ये जो आपका हेयर फॉलिकल है, तो नॉर्मली ये हेयर फॉलिकल इस हेयर को बड़े अच्छे से पकड़ के रखता है, तो ये जो हेयर फॉलिकल है वो अगर डैमेज हो जाएगा तो इसकी ग्रिप तो ऑब्वियसली लूज होनी है, इसलिए पूरे बाल यहां से झड़ जाते हैं, आपके सर के बाल मूव हो जाते हैं। आगे बात करते हैं स्किन के बाद, तो वह आपके गोनेड्स जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एंडोक्राइन पार्ट में मैंने पिछले सेमेस्टर में पूरा डिटेल इनके बारे में बताया, गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में। सो देखिए, दे इनहिबिट द गोनेड्स सेल, ऐसे सेल जो गोनेड्स बनाने का काम करते हैं, बाकी और चीजों बनाने का काम करते हैं, इनको इनहिबिट करते हैं, और इसकी वजह से ओलिगोजूस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है, जो कि मेल में इंपोर्टेंसी का कारण बन सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल में, तो यह ओव्यूलेशन को कमजोर करेंगे, इनहिबिट करेंगे ओव्यूलेशन का, तो वो
भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की ओर मूव करा देगा. सो देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन इन वुमेन. ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई. अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक, दैट इज फीटस के केस में क्या प्रॉब्लम होगा अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी के केस में है और इस तरह के साइटोटॉक्सिक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग को यूज कर रही हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा. वैसे तो करना नहीं चाहिए बट इन केस क्या अगर ये होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अबॉर्शन का. मिसकैरेज होने की पूरी संभावना है क्योंकि ये आपके पूरे जो फीटस के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करेगा. सो इट इज अबॉर्टिफिशियंट कह सकते हैं. अबॉर्शन भी हो सकता है या उनको मिसकैरेज हो सकता है. बात तो एक ही है, थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी अलग है. और उसका डेथ भी कॉज कर सकते हैं और सबसे जरूरी में से एक ये टेरेटोजेनिसिटी भी कॉज कर सकते हैं अगर इन बिटवीन द ट्राइमेस्टर के बीच में ये ड्रग ले रही है तो जिस भी पर्टिकुलर फेज में जो भी ऑर्गन बन रहा होगा यानी कि जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होगी उस पर अफेक्ट करेगा और वो प्रॉब्लम कॉज करेगा टेरेटोजेनिसिटी का. सो दिस एंटी कैंसर ड्रग और साइटोटॉक्सिक ड्रग आर कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. उसके बाद सबसे मजेदार है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मजेदार प्रॉब्लम क्या है, देखिए कार्सिनोजेनिसिटी. अब यहां पे थोड़ा लॉजिकल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था. हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसर ड्रग की और एंटी कैंसर ड्रग का ट्रीटमेंट है आपके काफी सारे प्लांट्स के डेरिवेटिव जिनको आप आगे देखेंगे या कोई और आपका अल्कलाइटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड है ऑल थिंग्स. तो ये जो ड्रग है वो एंटी कैंसर ड्रग है लेकिन एंटी कैंसर ड्रग को यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट क्या क्या मिलेगा, कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि कैंसर कॉज करने की एबिलिटी. जो एंटी कैंसर ड्रग है वही अब कैंसर कॉज करा रहा है लेकिन इस तरह के एंटी कैंसर ड्रग की वजह से कॉज होने वाले कैंसर को हम बोलते हैं सेकेंडरी कैंसर और ये लंबे समय में यूज करने के कारण से होता है और इसका असर लंबे समय तक भी रह सकता है, बाद में आपको देखने को मिल सकता है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो फ्रेंड आज हमने आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस किया पहले सेक्शन में भी और इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में भी. तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हटूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे इसके नोट्स भी रखे हुए होंगे, इसके एमसीक्यूज भी रखे हुए होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा जिसमें आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपने जीपैट के नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं. ना कोई चार्ज आपको देना था, ना कोई चार्ज आपसे ले रहे हैं और फ्यूचर में हम कभी आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे. अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों तक इस फ्री के एजुकेशन का हमारा जो एंबिशन है इसको पहुंचाने में बस हमारी मदद करें. इसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार, पी जगदीश प्रसाद, सतोष कर, लेंच, इस कई सारे बुक को हमने प्रिपेयर करके जो अच्छा लगा उसके हिसाब से लिया है बट मेजर फोकस इस एडवर्स इफेक्ट के बारे में केडी त्रिपाठी में दिया हुआ होगा आपको. सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्कार.